Hello friends, so in this video I'm going to explain to you or tell you the three core tips that you need to crack civil services. Dekhe, agar aap ye teen cheeze karne ke liye tayar hain to aapka civil services preparation ka safar sahi rahega and you will be able to crack it properly, right? You will definitely able to crack it. But agar aap ye karne ke liye tayar nahi hai to make sure before choosing civil services as a career option ki aapko UPSC karna hai ya nahi karna hai. Are you getting this? तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. ये तीनों चीजें मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन से आपको समझाने के लिए चीजें रखी हैं. इफ यू नो दिस थिंग यू'ल डेफिनेटली इफ यू आर विलिंग टू डू दिस यू'ल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम. अदरवाइज देर विल बी प्रॉब्लम लेटर ऑन. तो आपको ये देखना है कि आप ये करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है. राइट कुछ सीखने को भी मिलेगा समझे. दैट इज द इंटरप्रिटेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अच्छा अगर आप सिविल सर्विसेज नहीं करना चाहते अभी आप सोच रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है. आप कुछ और करना चाहते हैं कैट करना चाहते हैं जीआरई करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा. बिकॉज इफ यू डू दिस इन दैट फील्ड ऑल्सो यू विल एक्सेल. सो दीज आर द टिप्स नॉट ओनली टू क्रैक सिविल सर्विसेज और यूपीएससी. दीज आर द टिप्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड टू एक्सेल टू सक्सीड. राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. कि ऐसे कौन सी तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और करनी है सिविल सर्विसेज निकालने के लिए. ठीक है लेट्स स्टार्ट. तो आप देखिए पहला टिप बहुत सिंपल है. यूपीएससी नॉलेज का भंडार है. टिप आपके सामने है नेवर बी टू एरोगेंट अबाउट मोर नॉलेज एंड नेवर बी एम्बैरेस्ड अबाउट लेस नॉलेज. देखिए यूपीएससी में नॉलेज का भंडार आप जर्नल स्टडीज पढ़ेंगे देयर विल बी इनफ्लो ऑफ सो मेनी इंफॉर्मेशन. और नेचुरली जब एक इंसान के पास इंफॉर्मेशन आती है तो पावरफुल फील करता है तो वो दूसरे से क्वेश्चन पूछ के उसे जलील करने की एक तरह से कोशिश करता है. ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको कार्टून आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको नहीं आता होगा बिना बताए चल देंगे. राइट बिकॉज दे वॉन्टेड यू टू फील अ बिट लेस है ना. तो आप देखिए ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से बता देता हूँ. राइट कि ये आपको यूपीएससी में ध्यान रखना है फिर पेपर निकलना आसान हो जाएगा. देखिए यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द पर्सन नोन एज बुद्धा. राइट बुद्धा दैट इज सिद्धार्थ गौतम जिसे हम क्या कहते हैं सिद्धार्थ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. तो आप देखिए सिंपल सी स्टोरी है जो आपको ये वाली चीज बहुत आसानी से समझा जाएगी. आप देखिए यू सी बुद्धा वॉज बॉर्न यू ऑल नो दैट बुद्धा फर्स्ट फेज के अंदर बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी. बुद्धा कहां पे पैदा हुए थे लुम्बिनी नेपाल के अंदर. तो आप देखिए हिज फादर जो बुद्धा के फादर थे जिनका नाम सुदोधन था तो वो क्या थे वो वहां पे राज करते थे लाइक रिपब्लिक एरिया था. सुदोधन वॉज द रूलर और बेसिकली द ट्राइबल हेड was the tribal head of that area. Kapil Vastu ke andar ye jagah thi. To Kapil Vastu mein his father was the tribal head leading a tribe by the name Sakya. Leading the tribe known as Sakya. To Buddha ki tribe kaun si hogi? Siddharth ki tribe kaun si hogi? He was born in 586 BC. To aap dekhe Buddha ki tribe kaun si hogi? Siddharth ki tribe that is Sakya. Isliye Buddha ko Sakya Muni bhi kaha jata hai. Because that is the kind of that is the tribe he belongs to, right? तो आप देखिए सिद्धार्थ was born in लुम्बिनी नेपाल. Father tribal head थे, right? तो एक तरह से अगर आप इसे interpret करें तो राजा के ही बेटे हैं बुद्धा, right? सिद्धार्थ उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. आप देखिए बचपन से ही जो सिद्धार्थ थे वो बहुत ही इनक्विजिट टाइप के थे. वो हर चीज को क्वेश्चन करते थे रैशनलिस्टिक ओरिएंटेशन रखते थे. जैसे आप देखिए उस टाइम पे क्या चलता था सोसाइटी में रिलीजन वाज डोमिनेंट. जो चीज हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या बोल देते थे भाई ये तो इसने पाप किया था उसकी सजा इसके सामने आ गई है. बट सिद्धार्थ यूज टू क्वेश्चन इट अगेन एंड अगेन. राइट सिद्धार्थ यूज टू क्वेश्चन इट. तो अब देखिए होता क्या था सी नोबडी लाइक्स क्वेश्चन इन द सोसाइटी क्योंकि फिर उन्हें लगता है ये हमारी अथॉरिटी चैलेंज कर रहा है. स्पेशली जब आप रिलीजन की अथॉरिटी चैलेंज करोगे राइट तो प्रॉब्लम होगी. जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने टाइम पे अगर किसी को बुखार वगैरह हो गया तो हम क्या बोल देते थे इसने पाप पूप किया ये कर दिया था वो कर दिया था. बट बुद्धा इज आस्किंग क्वेश्चन व्हाई इज द बॉडी टेम्परेचर राइजिंग व्हाई इज द पर्सन्स बॉडी हॉट एंड Not the other person's body. So, बहुत सारे questions पूछते थे. तो लोग काफी परेशान भी थे इनके इन questions से. पर अब क्या कहें देखो एक राजा का बेटा है tribal head का बेटा है कुछ कह भी नहीं सकते. So there was a lot of issue.
तो देखो एक स्टोरी है इंटरप्रिटेशन में कि एक बार एक बहुत बड़े पंडित कपिल वस्तु से जा रहे थे, तो जो फादर हैं सिद्धार्थ के सुदोधन, उन्होंने बुद्धा को सिद्धार्थ को दिखाया उन्हें और उनसे पूछा कि सर व्हाट इज द फ्यूचर फॉर हिम, जैसे हम करते हैं पंडित से पूछते हैं, तो उन्होंने भी बताया। तो पंडित जी बोलते हैं ही विल बी अ ग्रेट किंग वन डे, ही विल बी द ग्रेटेस्ट बेसिकली द किंग दैट वी हैव एवर सीन। तो देखिए हिज फादर इज ऑल्सो impressed yet a bit worried also. The thing is क्योंकि उनका ध्यान इन चीजों में नहीं है, उनका ध्यान क्वेश्चन करने में है, तो उन्हें लगा कि शायद जो भी इशू हो रहा है, चलो उन्होंने सिद्धार्थ की शादी करवा दी कि मे भी शायद राइट थोड़ा सा डायवर्जन मिलेगा ये जो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं उससे। बट अगेन ही वॉज अगेन ऑन टू इट, ही यूज टू आस्क क्वेश्चन, तो कोई बचा ही नहीं था उनके महल में और इधर उधर जिससे उन्होंने क्वेश्चन ना पूछा, राइट जिससे उनसे क्वेश्चन, पर जवाब मिल नहीं रहा है। घर वाले उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ही विल बी अ ग्रेट किंग वन डे, तो कहीं को कल को विद्रोह ना कर दे। तो फाइनली एक ऐसा दिन आया उनके लाइफ के सेकंड स्टेज के अंदर जहां हम उन्हें बोलते हैं महानिशी करामान, राइट दैट इज वी कॉल इट महानिशी करामान। तो निशी इज द नाइट, निशी मीन्स नाइट। एक रात ऐसी मिली जब बुद्धा अपने चैरिटेयर की मदद से अपने महल से एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गए एट द एज ऑफ 29। एट द एज ऑफ 29 बुद्धा का फर्स्ट देखो आप नाइट आउट था, राइट ही वाज एबल टू लीव हिज पैलेस एंड रन। और उनका एम एक ही था अपने पैलेस से निकल के, क्योंकि देखो कोई जवाब नहीं दे रहा था, उनका एम एक ही था कि मेरे को टीचर ढूंढना है जो मेरे सवालों का जवाब दे दे, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे इन सारी चीजों की। तो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर टीचर्स। तो बहुत टीचर मिले, देखो ये इंडिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं जिनको बहुत नॉलेज है, जेन्युइन लोग, पर बहुत फ्रॉड भी घूमते हैं हमारे यहाँ। तो आप देखिए बुद्धा स्टार्टेड सर्चिंग फॉर टीचर्स, तो उन्हें फर्स्ट टीचर मिला अर्ध कलाम, बट बुद्धा वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो वो ढूंढते रहे। फाइनली उन्हें पांच ब्राह्मण्स मिले, आप देखिए फाइव एस्केटिक्स, दैट इज फाइव ब्राह्मण्स मिले जो उनके साथ ये एजुकेशन वाले पाथ पे चलने के लिए तैयार थे, कि उन्होंने बोला ठीक है हम वो शास्त्र वगैरह सब पढ़ेंगे, चीजें सुनेंगे, और दे अग्री टू टीच, दे आर जेन्युइन पीपल, उन्हें बहुत नॉलेज है, जेन्युइन पीपल। तो वो बुद्धा को ले गए बोध गया, दे टुक बुद्धा टू बोध गया, इन बिहार। तो वहां पर बुद्धा को ले जाके या सिद्धार्थ को ले जाके उन्होंने बोला कि आपको बहुत सारी मेडिटेशन करनी पड़ेगी, फास्टिंग करना। सो बुद्धा वॉज मेड टू गो मेडिटेशन एंड फास्टिंग। देखो हमारा एक कंसेप्ट है ना, आप मेडिटेट करते हो तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, नॉलेज वो सारी चीजें बताएंगे। तो बुद्धा से मेडिटेशन वगैरह कराई। अब देखिए सिद्धार्थ ठहरे राजा के बेटे, कभी इतनी मेहनत करी नहीं थी, तो अब देखिए वो उनका वेट लॉस हो रहा है, बारिश तूफान सब कुछ आ रहा है। तो अब देखिए सिद्धार्थ से लाइक थोड़ा सा वो हुआ कि ही वाज नॉट अकस्टम टू इट, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही टुक टू फूड, उन्हें भूख लगी, बहुत टाइम हो गया, उन्होंने खाना खा लिया। और इन पांच ब्राह्मण्स ने फिर एक तरह से आप कहते हैं ना उन्हें डिस्कार्ड कर दिया, ये कह के कि बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो कि तुम सीखना चाहते हो, बट यू कुड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ फास्टिंग, वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू फ्रॉम नाउ ऑन। देखिए जेन्युइन लोग हैं, उन्होंने बोला हमने तुम्हें काम बता दिया, आपसे नहीं हो रहा है तो हम जा रहे हैं। अच्छा आप देखिए ये नेगेटिव मोटिवेशन मिली सिद्धार्थ को, उन्हें बुरा लगा, पहली बार इंसल्ट हुए हैं, नोट्स तो पता चल गए थे, ही अंडरवेंट फास्टिंग एंड मेडिटेशन, राइट, फिर पांच ब्राह्मण्स के जाने के बाद ही अंडरवेंट फास्टिंग एंड मेडिटेशन। और फाइनली एट द एज ऑफ 35 ही अटेंड एनलाइटनमेंट अंडर द बोधी ट्री, वहां पे बोध गया के अंदर। आप देखिए बुद्धिज्म में बुद्धा नाम नहीं है, बुद्धा एक टाइटल है, जिस बंदे को एनलाइटनमेंट मिल जाती है उसे बुद्धा कहते हैं। तो यहां पे सिद्धार्थ बिकेम बुद्धा क्योंकि उन्हें क्या मिल गई, एनलाइटनमेंट। आपने फोटो देखी होंगी भूमि स्पर्श मुद्रा एंड ऑल। तो आप देखिए बोध गया के अंदर उन पांच ब्राह्मण्स के जाने के बाद बुद्धा स्टार्टेड, सिद्धार्थ स्टार्टेड फास्टिंग और फाइनली उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गई। आप भैया नॉलेज मिल गई, सारी चीजों का जवाब मिल गया, तो अब उन्हें वो बताना भी है। तो आप देखिए स्पेशली चल के देखो, मैं आ रहा हूं इस स्टोरी पे, हम कहां जाएंगे।
स्पेशली बुद्धा वहां से 400 किलोमीटर दूर सारनाथ जाते हैं, सारनाथ जाते हैं 400 किलोमीटर दूर, राइट right? तो आप देखिए, व्हाई इज ही गोइंग सो लाइक सारनाथ, बोरनाथ, बोध गया में उन्हें मिल गई एनलाइटनमेंट, घर जा सकते थे, लोगों को बता सकते थे अपने रिलीजन के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, पर वो 400 किलोमीटर ढूंढते हुए जा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज बुद्धा वॉज सर्चिंग फॉर दोस फाइव ब्राह्मण्स. क्योंकि देखो, सिखाने वाले वो थे, इंसल्ट करने वाले, इंसल्ट नहीं पर एक तरह से रेप्रीमांड करने वाले वो लोग थे. तो बुद्धा उन पांच ब्राह्मण्स को ढूंढते हुए सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ जाके उन पांच ब्राह्मण्स को बोलते हैं कि आई हैव अटेंड एनलाइटनमेंट. तो वो बोलते हैं, हम कैसे मान लें? देखो, जनरल लोग हैं, हम कैसे मान लें? तो यहां पर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, पहला अपना स्पीच. और आप देखिए, दीज फाइव ब्राह्मण्स वो सुनने के बाद बिकेम द फर्स्ट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. फर्स्ट डिसाइपल्स, सी ये मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, मैं समझा रहा हूं, फर्स्ट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. और हम इस फेज को कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन. धम्म चक्र परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? धम्म मीन्स द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, चक्र मीन्स द व्हील, परिवर्तन मीन्स मूविंग. सो जैसे ही पहला लेक्चर दिया बुद्धा ने, अपने फिलोसफी बताई, बुद्धा सेट द बुद्धिस्ट रिलीजन इन मोशन. Right at Sarnath, after delivering the first sermon, he set the Buddhist religion moving, the wheel of Buddhist religion moving. क्योंकि अब यहाँ से Buddhism spread होना start होगा. आप देखिए, इस story में क्यों बता रहा हूँ आपको? ये story मैं इसलिए बता रहा हूँ, उन पांच Brahmins को ध्यान से देखिए. Buddha को या Siddharth को जब initially knowledge नहीं थी, they were not arrogant, they had knowledge. लेकिन जब बाद में सिद्धार्थ हैड दैट नॉलेज और उन्होंने लेक्चर सुना कि इसे तो बहुत इंफॉर्मेशन आ गई है, उनको कोई शर्म नहीं थी उनके फर्स्ट डिसाइपल्स बनने की. ये है यूपीएससी. नॉलेज किसी के घर की नहीं होती है, नॉलेज किसी की घर की नहीं होती है. आपको आज, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि भाई हाईएस्ट पॉल्यूटिंग ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, बट द आंसर इज वाटर वेपर. Answer is water vapor. तो आपको नहीं पता था, मेरे को पता था, तो क्या मैं आपको जलील करूं? Not at all. और आपको नहीं पता था तो embarrassed होने की जरूरत नहीं. अब पता चल गया, क्या दिक्कत है? पढ़ के ही पता चलेगा ना. तो आप देखिए, यूपीएससी क्रैक करने का एक कोर प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल याद रखना, अगर किसी टॉपिक पे आपको ज्यादा नॉलेज है, डिबेट करें, डिस्कशन करें, पर कभी भी किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए नहीं. क्योंकि वो आपके अंदर फिर नॉलेज नहीं आप ढूंढ रहे थे, आप किसी को जलील करना चाहते थे. डोंट बी एरोगेंट ऑफ मोर नॉलेज. सेकंड, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता और सामने वाला आपको बता रहा है, कीप योर पेन एंड पेपर इन हैंड एंड राइटिंग इट डाउन. क्योंकि कोई शर्म नहीं है कम नॉलेज में, आप सीखोगे, आ गई अब नॉलेज, क्या दिक्कत है? घर की थोड़ी ना, कल पूछ लेना, कल पढ़ के बता देंगे. तो आप देखिए, जब आप कम नॉलेज से घबराने लगते हैं, अच्छा, आपको बहुत सारे टीचर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपसे जान पूछ के ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको आते नहीं है, आपको जलील कि अरे तू इतने महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, तेरे को ये भी नहीं पता ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. उन लोगों से भी दूर रहना है, वो आपको भी बर्बाद करेंगे. सो द फैक्ट इज, नेवर बी टू एरोगेंट अबाउट मोर नॉलेज एंड नेवर बी एम्बैरस्ड. आज नहीं आता, कल आ जाएगा. तो पहली चीज जो यूपीएससी में सक्सेसफुल होने की ट्रिक है, वो ये है, जो चीज आपको नहीं आती उससे घबराना नहीं है, पढ़ना है और आ जाएगी. डोंट बी सैड कि यार इसे आता है, मुझे नहीं आता. आपको अपना देखना है. नेवर बी एम्बैरेस्ड, बी लाइक दोस फाइव ब्राह्मण्स. मोर नॉलेज, नॉट एरोगेंट. लेस नॉलेज, नॉट एम्बैरेस्ड. क्या दिक्कत है? नॉलेज डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, झगड़े करने के लिए. पहला टिप क्लियर, ये याद रखना, नेवर बी एम्बैरेस्ड ऑफ दिस. सेकंड देखिए, स्टडी फॉर स्टडिंग एंड नॉट टू प्रूव इट टू एनीवन. राइट, पढ़ाई के लिए पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो, ये याद रखिएगा. देखो, इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं, आप एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं, या जो लोग नॉर्मली वीडियो देख रहे हैं वो भी इसका ध्यान कर सकते हैं. आप देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी में आपको पता है सबसे बड़े स्कॉलर की जो हम बात करते हैं, सोक्रेटिस, उनके डिसाइपल थे प्लेटो, उनके डिसाइपल थे एरिस्टोटल, हु वाज द एडवाइजर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट, यू नो दैट, राइट?
अब देखे क्या है। तो सॉक्रेटिस ने कुछ लिखा नहीं है, प्लेटो ने ही सॉक्रेटिस की सारी बातें बताई हैं कि वो डिबेट में ये बोलते थे वो बोलते थे। देखो छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से समझेगा आपको एक क्लियर हो जाएगा, हर जगह काम आएगी। देखिए हुआ क्या, एक सिंपल सी स्टोरी थी, सिंपल सी स्टोरी है कि आप देखिए, देयर वॉज अ शेफर्ड, प्लेटो ने अपनी इस बुक में दिया हुआ है रिपब्लिक के अंदर, आपको नाम पे नहीं जाना, आपको एसेंस समझना है कि भाई वो बोलते हैं कि भैया एक शेफर्ड था, एक शेफर्ड था गाइजेस करके, गाइजेस करके ग्रीस के अंदर, तो गाइजेस करके एक शेफर्ड था, वो बहुत हार्ड वर्क करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन था गरीब, दैट इज अनसक्सेसफुल इन लाइफ, दैट इज अनसक्सेसफुल इन लाइफ। सी हार्ड वर्क क्या है, मेहनत, जस्ट चीजें लाइक गुड एफर्ट करता। सी आपने लेबरर्स को देखा है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सिर्फ लंच के लिए रुकते हैं, वरना कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। लेट्स से बारिश आ गई, आपको लगता है छुट्टी मिलेगी, उन बेचारों को होता है कि हमारी डेली वेज चलेगी, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें डेली वेज नहीं दोगे। तो उनसे ज्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं कर सकता, बिना रुके फिजिकल लेबर वो करते जाते हैं, है ना। तो ऐसी शेफर्ड था, पूरे टाइम ये गाइजेस बेचारा मेहनत करता था सुबह से शाम तक, पर अमीर नहीं था, अनसक्सेसफुल था, सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं थी, तो अच्छे काम करता था पर था क्या, अनसक्सेसफुल। एक दिन फील्ड में काम करते करते इसे एक रिंग मिली जिसका नाम हमने दे दिया गाइजेस रिंग, अंगूठी, राइट। ये रिंग पहन के ये क्या हो जाता था, इनविजिबल, नोबडी वॉज एबल टू सी हिम, ये क्या हो जाता था, इनविजिबल। तो इसने क्या डिसाइड किया, आप देखो, इस क्योंकि गायब हो गया कोई देख नहीं सकता, ही स्टार्टेड डूइंग अनजस्ट थिंग, अनजस्ट मतलब चोरी चकारी उल्टी, क्योंकि पकड़ा तो जाएगा नहीं, अनजस्ट थिंग। और फाइनली ये सोसाइटी में सुपर सक्सेसफुल बन गया, सक्सेसफुल क्या, ये किंग ही बन गया, ये किंग ही बन गया फाइनली। तो आप देखिए ट्रिक ये थी कि पहले बहुत मेहनत काम करता था, अच्छे काम करता था, पर अनसक्सेसफुल था, अब इनविजिबल हो गया, बुरे काम करे और राजा बन गया, सोसाइटी में सबसे बड़ा आदमी बन गया। तो आप देखिए सोक्रेटिस को ग्लॉकन जो है, जो उनसे डिबेट कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप जो ये बातें करते रहते हैं ना कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, जैसे सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे बहुत कि मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, कि उससे सक्सेसफुल होते हैं, आप देखिए वो बेचारा गाइजेस इतनी मेहनत करता था, गरीब था, एक बार गलत काम किया और वो एकदम से क्या बन गया, सुपर रिच। सी व्हाट He's trying to say, वो सोक्रेटिस को लोग ये बोलते हैं कि आप जो कहते हो ना अच्छी चीजें करनी चाहिए, values, morals करने चाहिए, people do good things because somebody is watching them, otherwise they are not good inherently, ऐसा वो कह रहे हैं। See कैसे, let's say आज आप मार्केट में जा रहे हो, आपको मार्केट के अंदर एक बैग मिले जिसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, गोल्ड वगैरह चीजें पड़े हैं, तो आप क्या करते हो, खोल के भैया किसका गिर गया, पुलिस को ढूंढते हो, किसी को वो सामान दे देते हो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है आपने वो किया, लोग करते हैं करेक्ट, लेकिन लेट्स से रात के 2 बजे आप उस एक रोड पे हो, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी वहां पर बंदा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इन शॉर्ट आप इनविजिबल हो, किसी को नहीं पता आप वहां हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अब आपको वो बैग मिलता है, अब आप उस बैग का क्या करोगे, विल यू गिव इट टू पुलिस। सी ये लोग कह रहे हैं कि गाइजेस की तरह आप वो उसे उठा के घर ले जाएंगे। सी व्हाट दे आर प्लानिंग टू से इज कि लोग अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई ना कोई देख रहा होता है, एक बार लोगों को पता चल जाए कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हें उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगतना पड़ेगा, सो एवरीबडी गाइजेस की तरह, क्योंकि गाइजेस को यकीन था वो पकड़ा नहीं जाएगा, इनविजिबल है, कि वो गाइजेस की तरह गलत काम ही करेंगे, लोगों की इंटेंशन ये है गलत काम करना और सक्सेसफुल होना। जैसे आप मेरे को बोलते हो, मेरे से बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, आई वाज टीचिंग इन असम, आई वाज टीचिंग इन चंडीगढ़, आई वाज टीचिंग इन जयपुर, सो आई हैव टॉट इन वेरियस प्लेसेस, एंड स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से कि सर क्या फायदा मेहनत करने का, क्योंकि आप मार्केट में देखते हो कि कम पढ़ा लिखा आदमी 10वीं फेल 8वीं फेल ऑडी से उतर रहा है, मक से उतर रहा है, वहां से कि सर ये इसने भी तो पैसा कमाया बिना मेहनत करे, तो आप देखिए आपका क्वेश्चन ये रहता है कि इतना पढ़ के क्या फायदा सर, सक्सेसफुल तो होंगे नहीं, तो आप सब इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग सोक्रेटिस को क्या बोल रहे हैं कि लोग हार्ड वर्क और अच्छा काम इसलिए करते हैं बिकॉज समबडी इज वॉचिंग, वरना कोई काम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। सोक्रेटिस कहता है यस, 99% ऑफ द पीपल, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि वो पकड़े नहीं जाएंगे गलत काम करके, दे विल डू अनजस्ट थिंग एंड ट्राई टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, ट्राई टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ।
बट 1% आदमी ऐसा होगा जिसे ये यकीन होगा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, बट देन ऑल्सो ही ऑप्ट्स टू रिमेन जस्ट, ही ऑप्ट्स टू रिमेन जस्ट कि वो गलत काम नहीं करेगा. और सोक्रेटिस कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये ही सक्सेसफुल होगा. सी ध्यान से समझिए कैसे. लेट्स से अगर देखो स्टोरी सिंपल सी है, आप बस में चढ़े हैं, हर बंदा बस में बैठने के लिए चढ़ता है ना, तो आपके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हो गया, आप सीट पे बैठे हो. अब आपका मन, लोग आसपास वाले क्या कह रहे हैं, कितना बदतमीज बच्चा, उठ नहीं रहा, बुजुर्ग को नहीं बैठने दे रहा. आप क्या करते हो, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो कि मेरे को कोई देखे ना, या मैं अपने गिल्ट से बच जाऊं, या आप देना नहीं चाहते और आप उसे सीट दोगे भी तो इसलिए क्योंकि आसपास वाले लोग देख रहे थे. पर ये स्टोरी के अंदर ग्लॉकन जो उससे डिबेट कर रहा है, सोक्रेटिस से डिबेट कर रहा है गाइजिस के बारे में, वो ये कह रहा है कि लोग सीट बुजुर्ग को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आसपास लोग देख रहे थे. कोई ना देख रहा होता कभी ना उठता, वो कौन अपनी सीट किसी और को देना चाहता है. तो सोक्रेटिस कहता है आप सही कह रहे हो, लोग अच्छे काम या हार्डवर्क इसलिए करते हैं क्योंकि कोई देख रहा है, लेकिन 1% इंसान ऐसा होगा जो गलत मौका मिलने पे भी गलत काम नहीं करेगा. लॉन्ग टर्म में वही सक्सेसफुल होगा. रियल टाइम एप्लीकेशन देखो, आप पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज के अंदर, सुबह से शाम तक आप वेब सीरीज देखते हैं, सुबह से शाम तक आप मूवीज देखते हैं, राइट. आपके घर से फोन आता है, बेटा क्या कर रहा था, क्या जवाब देते हो? आप जवाब देते हो मम्मी पढ़ रहा था, पापा पढ़ रहा था. आप क्या कर रहे हो, आप गाइजिस रिंग यूज कर रहे हो. देखो इंटरप्रिटेशन समझो एप्लीकेशन. आप गलत काम कर रहे हो क्योंकि आपको यकीन है आप पकड़े नहीं जाओगे. आप घर में रहते हो, आप ऊपर वाले कमरे में रहते हो, राइट. और आप पूरे दिन क्या कहते हैं वो YouTube पे वीडियोस देख रहे हो, आंखें सूज गई हैं. आप नीचे जाते हो और आपके पेरेंट्स पूछते हैं ये क्या हो गया, आंखों में क्या हो गया. आप क्या बोलते हो, पढ़ रहा था ना पूरे दिन, हालांकि आप पढ़ नहीं रहे थे. तो आप देखिए ऐसे लोग जो पीजी में कॉलेज में बैठ के अपने पेरेंट्स को झूठ बोलते हैं, वो देखो उन्हें पता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो वो अनजस्ट काम करके अभी खुशियां बटोर रहे हैं, पेरेंट्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ. पर सोक्रेटिस कहता है कभी लॉन्ग टर्म में बच्चे सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आप देखिए 1 साल बाद तो पेपर होगा, तब पोल खुल जाएगी सारी, तब आपकी पोल खुल जाएगी, उसमें आप फेल हो जाओगे. आर यू गेटिंग दैट? तो आप देखिए गाइजिस रिंग की स्टोरी आपको क्या सिखाती है, कि आपको अगर कोई ये बता दे कि आप पकड़े नहीं जाओगे तो आप अच्छा काम नहीं करते हो, राइट. लेकिन वो लॉन्ग टर्म, देखो जिस दिन इस रिंग का जादू खत्म होगा, आप पकड़े जाने लगोगे, आप गायब नहीं हो सकते, उस दिन क्या करोगे आप. सिलेक्ट से मैं आपको सिफारिश करके एक पोस्ट पे बिठा दूं, राइट, काम नहीं आता आपको, लेकिन जिस दिन मेरी सिफारिश खत्म हुई उस दिन आप पकड़े जाओगे, आपको काम तो आता ही नहीं है काम करने का. ग्लॉकन किंग बन गया चोरी चकारी करके, लेकिन लेट्स से रिंग की पावर खत्म होगी, रियासत चलानी तो नहीं आती ना, क्योंकि चोरी चकारी से बनना था. तो आप देखिए यूपीएससी निकालने का दूसरा कोर मतलब ये है, पढ़ना है तो पढ़ना है, दिखाना नहीं है किसी को. सी आपको आपके पेरेंट्स बोले, देखिए क्या मैं सेमिनार्स लेता हूं, मैं पढ़ाता हूं अपनी क्लासेस के अंदर ना, कई कई बार मैं क्या करता हूं, मैं स्पाइक्स पुक्स करके पहुंच जाता हूं, टी शर्ट वगैरह पहन के पहुंच जाता हूं पढ़ाने के लिए. तो आप देखिए बच्चे मेरे को देख के बोल सकते हैं कि ये पढ़ाएगा, ये इसने इतनी सारी सिलेक्शंस दी है, ये पढ़ाएगा. लेकिन आप देखिए मैं वहां पर अपने कपड़े और बाल वगैरह दिखाने नहीं जा रहा हूं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, राइट. तो मेरे को टीचर दिखना नहीं है, मेरे को टीचिंग करनी है. तो आप देखिए आपको मेरे को नहीं दिखाना, अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाना मैं 10 घंटे पढ़ रहा था 20 घंटे. नो, स्टडी इट फॉर योरसेल्फ. 2 घंटे पढ़ना है पढ़ो, पर अपने लिए पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो. क्योंकि अगर आप दिखाने के लिए पढ़ोगे वो आपको डुबो देगा. और ये खाली यूपीएससी नहीं, आपको चाहे कैट करना है चाहे जीआरई करना है, वो डू नॉट यूज गाइजिस रिंग. मौका मिल रहा है आपको, आप एक कमरे में बंद हो, पकड़े नहीं जाओगे कि आप पढ़ रहे थे कि नहीं, तो आप पढ़ो पर, राइट. क्योंकि अगर आप तब वेब सीरीज देखोगे और आप बोलोगे मेरे को कौन पकड़ लेगा, पेरेंट्स को तो मैं यही बोलूंगा मेहनत कर रहा था, लॉन्ग टर्म में दिस इज नॉट सक्सेसफुल ऑप्शन. तो पहला टिप क्या है कि आपको कम नॉलेज से एम्बेरस नहीं होना, ज्यादा नॉलेज की अरोगेंस नहीं करनी. और दूसरा टिप है पढ़ाई के लिए पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो. 2 घंटे पढ़ना है 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद मूवीज देखते रहो, गेम खेलो, पर जो पढ़ना है आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, राइट. दैट इज द थिंग. सी वेरी क्विकली इस वीडियो को समअप करते हैं तीसरे टिप के साथ एग्जाम निकालने के लिए, कि अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है या कोई भी चीज करनी है, कैट वगैरह,
तो वो आपका खुद का एम होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए. ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है. नॉर्मली जब कोई इंसान कोई भी एक्शन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आती है. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में मैं आपको मिल गया, राइट? मैं जा रहा हूं, आप मेरे को धक्का देना चाहते हो पीछे से, आप एक एक्शन करना चाहते हो, तो आप ये सोच लेते हो कि ये पलट के, आप सोच लेते हो कि जिम्मेवारी मेरे पे आएगी, ये पलट के धक्का दे सकता है, मार सकता है, या जो भी. आप क्लास में बैठे हो, आपको उठ के जाना है, तो आपके मन में क्या चल रहा है? ये क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेगा, पेरेंट्स को बता दिया वो क्या सोचेंगे, फिर आप एक्शन करते हो. नॉर्मली हर बंदा अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. बट अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए, ये भी गाइजेस रिंग की तरह है, कि उस एक्शन वो ले पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी और पे शिफ्ट कर सकता है, लेट्स से किसी सी इंसान पे शिफ्ट कर सकता है, तो आप देखिए ये डिजास्टरस हो सकता है. ये बंदा फिर हानिकारक है अपने लिए भी, लोगों के लिए भी. सी कैसे है, आप ध्यान से देखिए. लेट्स से 11th 12th के अंदर आपको नहीं इंजीनियरिंग करनी थी, पर आपके डैड ने बोला कि भाई तू तो इंजीनियरिंग करेगा, बीटेक करेगा. तो आपने प्लस वन प्लस टू में जैसे भी है भाई मेहनत करी, आपके डैड ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा दी, आपको पता है उन्होंने करवाई है. अब आप देखिए, आप ढंग से पढ़ते नहीं है, आपका अच्छी जगह सिलेक्शन नहीं होता, और आपसे जब कोई पूछता आप क्या बोलते हो, मेरी क्या गलती है, पापा ने जबरदस्ती कराया था, मैं तो करना भी नहीं चाहता था. आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी. देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं रिजर्वेशन की डिबेट नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं आपको बस एक टॉपिक बता रहा हूं. आई ऑलवेज से दैट रिजर्वेशन इन इंडिया बेनिफिट्स जर्नल कैटेगरी मोर देन द रिजर्व कैटेगरी. कैसे? आप देखो, क्योंकि जर्नल कैटेगरी के लिए एक बहाना ऑटोमेटिकली तैयार है. सी रिजर्वेशन के अपने फ्लॉज हैं, अग्री, आई 100% अग्री, मैं उसकी डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वन ऑफ द रीजन दे रहा हूं. सी अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं, आपको पता है रिजर्वेशन है. आप देखिए, आप यूपीएससी का एग्जाम्पल एग्जाम दोगे, लेट्स से 700 सीट्स हैं, राइट? आपको पता है ऑलरेडी कि 50% सीट उसके अंदर रिजर्व कैटेगरी के लिए. अब तो ईडब्ल्यूएस के पास 10% भी है. आप देखिए, आप पूरी मेहनत करते हो, पेपर देते हो, सिलेक्शन नहीं होता, तो आपसे कोई पूछता है पेपर क्यों नहीं, आप पता क्या बोलते हो? आप ये बोलते हो, अरे यार वो रिजर्वेशन ना होती तो पेपर सेलेक्ट हो जाता. एक्सक्यूज मी, आपको 2 साल पहले से पता है कि रिजर्वेशन है. आप 300 सीट के लिए, 700 में से आप 350 सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो किसने हक दिया है फेल होने के बाद 761 के लिए आप कर रहे हो? देखो मैं आज बता रहा हूं पेपर में रिजर्वेशन है, राइट? तो डोंट एम फॉर समथिंग. सी कुछ नहीं हो रहा, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर. रिजर्वेशन क्या है? अग्री, बहुत फ्लॉज है, आपकी कट ऑफ ज्यादा होती है, इशू होते हैं. लेकिन आप देखिए, कुछ लोग जर्नल कैटेगरी के मेहनत ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एक रेडीमेड बहाना है कि भाई रिजर्वेशन थी वरना हो जाता. आर यू गेटिंग दिस? सिमिलरली डैड ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग करा दी वरना हो जाता. अब ध्यान से देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, मेरा सेमिनार देख के नहीं, किसी की वीडियो देख के नहीं, पापा के कहने पे, मम्मी के कहने पे नहीं. अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है, अच्छे से मन बना लो कि आप करना चाहते हो, आप क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, मॉक टेस्ट और एफर्ट लगता है इसके अंदर, हार्डवर्क रखता है. और जैसे ही आप उसके अंदर थोड़े से आपके मार्क्स कम आएंगे या थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आएगा, रादर देन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, आप बहाना दे दोगे कि पापा ने कहा था करने के लिए वरना मैं तो कर देता. तो जब आपको पहले ही आपके पापा ने कह दिया, आपके पास बैक ऑफ द माइंड में एक बहाना तैयार हो गया है कि उनके ऊपर डाल दूंगा मैं इसका ब्लेम, कि उनकी वजह से मैं ये कर रहा था, तो आपका डिसीजन होना चाहिए. ताकि लेट्स से किसी मॉक टेस्ट में आपके बहुत कम मार्क्स आए, तो आप उसे करेजियस इंसान की तरह खड़े होके बोलें कि ओके, मेरा खुद का डिसीजन है, कम मार्क्स आए हैं, इंप्रूव करूंगा. वरना आप पता क्या करेंगे, कम मार्क्स आए हैं, आप पता क्या बोलोगे, अरे पापा ने कहा था, मैं तो वैसे ही नहीं करना चाहता था. आप पहली बहाना देके बैठे हो अपने पास. Are you getting this? So you see, it has to be your aim to crack civil services, not your parents, not your brother, no one. तब ही आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी. खाली सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, हर एक के लिए. यू डोंट हैव टू ट्रांसफर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन. तो आप देखिए, वो 3 टिप्स क्या हैं एग्जाम निकालने के लिए बेसिकली. व्हाट आर द यू नो 3 टिप्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन? इट इज वेरी सिंपल. सबसे पहला है कि ज्यादा आपको कम नॉलेज से एम्बैरेस नहीं होना है, सीखते जाना है. सी
आप लर्निंग कर्व के ऊपर हैं, लर्निंग कर्व के ऊपर हैं, यू डोंट हैव टू बी एम्बैरेस्ड. और जो इंसान आपको ज्यादा नॉलेज से आपको जलील करने की या नीचे दिखाने की, उससे दूर रहना है, पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड करना है. दूसरा, डोंट यूज गाइजेस रिंग. डोंट यूज गाइजेस रिंग कि पढ़ना है तो पढ़ना है मम्मी पापा और खुद किसी और को दिखाने के लिए नहीं. दो घंटे पढ़ूंगा उसके बाद क्रिकेट खेलूंगा चाहे लोग ताने मारते रहे. तो आपको पढ़ते हुए दिखना नहीं है, पढ़ना है. बुक खोल के ऐसे ही नहीं बैठना है, पढ़ने के लिए पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो. तीसरा, डोंट शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेपर निकालना है तो अपने लिए निकालना है, वरना आप देखिए आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास बहाना तैयार है कि पापा ने कहा था, मम्मी ने कहा था, इन्होंने कहा था. सो इफ यू फॉलो दीज थ्री टिप्स एंड इफ यू आर रेडी टू डू दिस, then enter into civil services preparation and give your 100%, I am sure paper niklega, right? Agli videos mein hum ye bhi dekhenge kaun si books hain, kaise answer writing karte hain, kya nahi. Par pehle aap apna man banao ki kya mera khud ka aim hai civil services nikalna, kyunki agar kisi aur ke kehe ke anusar aap aa gaye preparation mein, nuksan ho jayega kyunki fir aap kabhi bhi khud ka 100% nahi de paoge. Do ghante padho par पढ़ने के लिए पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो. I hope this is clear, right? So this was the video where I told you the three core principles to crack UPSC examination. If you are willing to give this, if you are willing to do that, we see people are there to help you. I am there. Everybody is there to help you. But पहले ये तीन चीजों पे श्योर हो जाओ. अपने लिए पेपर क्रैक करना है, एम्बेरेस नहीं होना है. कम सी आपको देखो, सिंपल क्वेश्चन है. आप लेट से 10 महीने पढ़ लिया और आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन नहीं पता, तो आप, मैं टीचर हूं तो मेरे पास आके पूछो कि सर ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना, शर्माना नहीं है. अभी नहीं आता मैं बता दूंगा, आ जाएगा, क्या दिक्कत है, या पढ़ लोगे आ जाएगा. नेवर बी एम्बेरेस्ड, वरना वो फिर दिक्कत हो जाती है. पढ़ाई में एरोगेंस की जगह नहीं है और एम्बेरेसमेंट की भी जगह नहीं है. पेपर है कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं करनी, राइट? So thank you, and I hope the video was informative for you guys, right? All the best.